वेलकम स्टूडेंट्स, आज स्टडी टॉपिक है हमारा द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो उसको स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। देखिए, न्यूक्लिन की जो डिस्कवरी थी वो फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी, और उसने बताया था कि न्यूक्लिन जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। एक्चुअली इट वॉज डीएनए, वो बाद में पता चला, लेकिन स्टार्टिंग में न्यूक्लिन कहा गया था उसको। इट वॉज एन एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है ना। तो मिक्सचर ने भी डिस्कवरी की कुछ, और फिर मेंडल के जो वर्क थे वो भी लगभग लगभग एक ही समय पर आए थे। इतना पता होने के बाद भी ये क्लियर नहीं हो सका था कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, और उसमें काफ़ी समय लगा। 1926 के बाद से एक खोज स्टार्ट हो गई थी पूरी दुनिया में कि जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है उसका मैकेनिज्म क्या है, और इसको मॉलिक्यूलर लेवल तक ले जाया गया। इस खोज को मॉलिक्यूलर लेवल तक ले जाया गया। बहुत सारी डिस्कवरीज हो चुकी थी 1926 से पहले, जैसे कि ग्रेगर मेंडल ने फैक्टर्स के बारे में बताया था, सटन ने क्रोमोसोमल मूवमेंट के बारे में, मॉर्गन ने लिंकेज और इसके बारे में आपके साथ काफ़ी मतलब लोगों के साथ अपनी जानकारी साझा की थी, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने सारी खोज जो है जेनेटिक मटेरियल की वो क्रोमोसोम्स तक लाई थी। मतलब हम आ चुके थे क्रोमोसोम्स तक, कि जो कुछ भी है वो क्रोमोसोम्स के पास है। और क्रोमोसोम्स कहाँ थे? न्यूक्लियस में। बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल हैड नॉट बीन आंसर्ड। तो अभी तक ये क्वेश्चन आंसर नहीं हो सका था कि असल में वो जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। तो आइए सबसे पहले इसमें एक्सपेरिमेंट का, जो बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने चूहों पर कुछ प्रयोग किए, और उसके लिए उसने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो बैक्टीरिया होता है उसकी उसने उसका यूज़ किया। 1928 में उसने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो बैक्टीरिया है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमोनिया। और उसने ये देखा कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलाव, चमत्कारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अपने एक्सपेरिमेंट्स में उसको कुछ बैक्टीरिया में चमत्कारी बदलाव देखने को मिले, मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड चेंज्ड इन फिजिकल फॉर्म। और ये बदलाव क्या थे? बदलाव ये थे कि जो बैक्टीरिया यूज हो रहे थे इन एक्सपेरिमेंट्स में वो बदल रहे थे। अब वो क्यों बदल रहे थे, उसके पीछे का कारण तलाशना था। तो आइए एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जब इन बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट पर ग्रो किया गया, यानी एक जो कल्चर प्लेट होती है उस कल्चर प्लेट के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो किया गया, सपोज ये हमारी बैक्टीरिया की कॉलोनीज है अंदर, ठीक है ना। तो देखा गया कि कुछ कॉलोनीज तो स्मूथ शाइनी कॉलोनीज थी, जबकि कुछ बैक्टीरिया जो है रफ कॉलोनीज बनाते थे। तो दो प्रकार की कॉलोनीज हो गई, स्मूथ कॉलोनीज एंड रफ कॉलोनीज। अब जो स्मूथ कॉलोनीज थी वो स्मूथ क्यों थी? बिकॉज उन स्मूथ कॉलोनीज के ऊपर म्यूकस कोट था, और म्यूकस कोट होने की वजह से कॉलोनीज कैसी हो जाती थी? ऊपर से स्मूथ हो जाती थी। ये स्मूथ कॉलोनी है सपोज बैक्टीरिया की, और दूसरी कॉलोनी जो थी वो कैसी थी? रफ, रफ कॉलोनी। ऊपर से सरफेस कैसा है? रफ है। और ये हमारी सपोज ये कल्चर प्लेट है। तो कल्चर प्लेट पे हमें अलग अलग कॉलोनीज देखने को मिल रही हैं। कुछ कॉलोनीज तो हैं वो स्मूथ हैं ऊपर से, और कुछ कॉलोनीज जो हैं वो ऊपर से रफ हैं। ओके, तो स्मूथ कॉलोनीज के पास म्यूकस कोट है जो कि पॉलीसेक्राइड से बना है, और रफ कॉलोनीज के पास वो कोट नहीं है। तो स्मूथ कॉलोनी को बनाने वाले बैक्टीरिया एस स्ट्रेन के माने गए, और रफ कॉलोनी को बनाने वाले बैक्टीरिया आर स्ट्रेन के माने गए। स्ट्रेन का मतलब होता है टाइप, तो इस तरह से हम इनको इस तरह से क्लासिफाई कर देंगे। तो चूहों पर
जब इन बैक्टीरियाज को प्रयोग किया गया चूहों पर इनका, यानी माइस इन्फेक्टेड विथ एस स्ट्रेन डाई फ्रॉम न्यूमोनिया इन्फेक्शन, तो अगर एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया जाता था तो ये देखा जाता था कि वो मर जाते थे बिकॉज उनको न्यूमोनिया हो जाता था। बट जिन चूहों में आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया जाता था वो जिंदा रहते थे बिकॉज आर स्ट्रेन जो है वो वायरुलेंट नहीं था। अब ग्रिफिथ ने क्या किया कि उसने बैक्टीरिया को हीट करके किल करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले अब उसने क्या किया, बैक्टीरिया को किल कर दिया। एंड देन ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू द माइस डिड नॉट किल हिम किल देम। एक बार आपने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट किल कर लिया, उसके बाद अगर आप उसे माइस में इंजेक्ट करोगे तो माइस को कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया अब नॉन इफेक्टिव हो जाता है हीट किल करने पर। फिर उसने ये देखा कि अगर हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया जाए, और आर स्ट्रेन वाले कैसे हों जिंदा, जबकि एस स्ट्रेन वाले कैसे थे, हीट किल्ड थे, और फिर उसके बाद इनके मिक्सचर को माइस के अंदर डाला जाए तो माइस मर रहा है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया, जबकि आर स्ट्रेन जो है वो जिंदा है, और आर स्ट्रेन तो नॉन वायरुलेंट होते हैं, तो आर स्ट्रेन जब जाता है माइस के अंदर तो माइस नहीं मरता, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। लेकिन एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है उसे हीट किल करके साथ में मिक्स कर दो तो माइस मर जाता है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बैक्टीरिया तो मरे हुए हैं, उसके बाद भी ये कैसे इफेक्ट को शो कर रहे हैं। एंड उसके बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि एस बैक्टीरिया मरे हुए माइस के अंदर पाया गया। अगर हम हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके माइस में इंजेक्ट करेंगे तो जो माइस है वो मर जाता है, और उस माइस के अंदर आपको एस बैक्टीरिया लाइव देखने को, यानी जिंदा देखने को मिलते हैं मरे हुए माइस के अंदर। इसका मतलब वो अंदर आ गए, और किस तरह से आए, कैसे आए, ये यहाँ पर सवाल उठता है। तो ग्रिफिथ ने क्या कहा, ग्रिफिथ ने कंक्लूड किया दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ने किसी प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर दिया था, यानी बदल दिया था। कैसे, स्ट्रेन में, एस स्ट्रेन में। आर स्ट्रेन में किस में कन्वर्ट हो गया था, एस स्ट्रेन में। और किसने कन्वर्ट किया था इसको, हीट किल्ड बैक्टीरिया ने। तो इसका मतलब कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर गया, और आर स्ट्रेन के अंदर वो क्षमता आ गई कि वो स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट बना ले अपने चारों तरफ और वायरुलेंट बन जाए। तो वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, क्या उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के पास कोई जेनेटिक मटेरियल था, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या था, ये सब चीजें आगे जो दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ उससे क्लियर हुई। आइए इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो प्रायर टू द वर्क ऑफ ऑस्वाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियॉट एंड मैकलिन मैकार्टी इन 1933-44, द जेनेटिक मटेरियल वॉज थॉट टू बी अ प्रोटीन। मतलब ये कि एवरी, मैं शॉर्ट में नाम लूंगा इनके, एवरी मैकलियॉट और मैकार्टी ने 1933 से लेकर 1944 तक कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और इनके एक्सपेरिमेंट से पहले क्या समझा जाता था, इनके एक्सपेरिमेंट से पहले ये समझा जाता था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो प्रोटीन होता है। अब इन तीनों साइंटिस्ट ने इस बात को जताया, प्रूव कर दिया कि जो बायोकेमिकल नेचर है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का वो क्या है, इन्होंने पता लगा दिया। दे वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। तो जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो एक्चुअल में क्या है, वो न्यूक्लिक एसिड है या वो प्रोटीन है, वो क्या है, तो उसको पता लगाया इन लोगों ने। दे प्यूरिफाइड, हाउ दे डिड दैट, है ना, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए,
फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स। तो जो हीट किल्ड एस सेल्स थे उसमें से बायोकेमिकल्स को निकाल के इन्होंने प्योरीफाई किया, जैसे उसके प्रोटीन्स को निकाला, उसके डीएनए को निकाला, उसके आरएनए को निकाला, और ये वो बायोकेमिकल्स थे जो कि लाइव आर सेल्स को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखते थे। यानी उनको लगा कि प्रोटीन शायद इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे, या डीएनए ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा, या आरएनए ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा। तो उसने उन्होंने क्या किया, इनको उन्होंने आइसोलेट कर लिया, कहां से, हीट किल्ड एस सेल्स से। क्लियर। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये देखा कि जो डीएनए है वो अकेला ही एस बैक्टीरिया को, जो एस बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो आर बैक्टीरिया को एस बैक्टीरिया में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। आर बैक्टीरिया जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस बैक्टीरिया में। किसके हेल्प से, ओनली डीएनए ऑफ द एस बैक्टीरिया, तो ये उसको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स सच एज प्रोटीएसिस एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स सच एज आरएनएसिस डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब उन्होंने क्या किया कि डीएनए के साथ में उन्होंने कुछ एंजाइम्स ऐड किए, प्रोटीएसिस और आरएनएसिस, और उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पर। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ, इससे ये स्पष्ट हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है वो ना तो प्रोटीन है ना वो आरएनए है। बिकॉज अगर वो प्रोटीन होता तो प्रोटीएसिस से टूट चुका होता और अपना काम नहीं कर पाता, अगर वो आरएनए होता तो आरएनएसिस से टूट चुका होता और अपना काम नहीं कर पाता। लेकिन प्रोटीएस और आरएनएस की प्रेजेंस में भी जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रहा है, तो जरूर वो डीएनए है। और आगे चल के उन्होंने ये देखा कि अगर डीएनएस का प्रयोग किया जाए तो उससे ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है। मतलब डीएनए को, डीएनएस क्या करता है, डीएनएस 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 क्या करता है, डीएनए को ब्रेक डाउन करता है। तो अगर हम डीएनए पर डीएनएस का प्रयोग करें और उसके बाद देखें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं, है ना, तो आर बैक्टीरिया क्या एस बैक्टीरिया में कन्वर्ट होंगे, आंसर आएगा नहीं, बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होंगे। बिकॉज जो डीएनएस आ गया है उसने इस डीएनए को ब्रेक कर दिया है और अब डीएनए काम नहीं करेगा, तो आर बैक्टीरिया विल नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस बैक्टीरिया। तो उसका मतलब क्या हुआ, इससे ये कंक्लूड होता है, ये स्पष्ट हो जाता है कि जो डीएनए है वही हेरिडिटरी मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन करवाता था। लेकिन अभी भी बहुत सारे बायोलॉजिस्ट जो हैं वो कन्विंस नहीं थे इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद में। तो क्या आपको कोई डिफरेंस नजर आता है डीएनए में और डीएनएस में, ठीक है ना, डीएनएज एंड डीएनएस। ओके, तो डीएनएज मतलब क्या होता है, डीएनएज मतलब डीएनए स्ट्रैंड्स, मैनी डीएनए स्ट्रैंड्स, जबकि डीएनएस क्या है, एंजाइम विच ब्रिंग्स अबाउट द डाइजेशन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स, द ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, दैट इज द डिफरेंस। तो आगे चल के हम नेक्स्ट जो वीडियो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, कैसे ये कन्फर्म हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है, कैसे ये क्लियर हुआ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।